दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर 300 से ज़्यादा कमेंट्स आए Asus लैपटॉप्स के बारे में और लोगों ने मेरे से पूछा कि कैसे हैं ये लैपटॉप। इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि ये लैपटॉप्स कैसे हैं, ये लैपटॉप्स आपका पैसा वसूल करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ मैं सभी के लिए रिव्यू कर रहा हूँ एक Asus टफ लैपटॉप का, वो भी पूरे 6 महीने बाद। मतलब इस लैपटॉप को मैं 6 महीने यूज़ कर चुका हूँ और अब आपको बताऊँगा इस लैपटॉप के बारे में। और यहाँ पर मैं पूरी Asus टफ सीरीज़ को कवर करूँगा, पूरी Asus टफ सीरीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि ये लैपटॉप्स लेने लायक हैं या लेने लायक नहीं है। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, ये लैपटॉप्स जो Asus टफ सीरीज़ के लैपटॉप्स हैं ये करीब 50 से 90 हज़ार रुपये के बीच में आते हैं, उससे ऊपर भी जाते हैं ये लैपटॉप। मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले रहे हैं। तो ये जो लैपटॉप्स हैं ये प्रोग्रामिंग करने के लिए, अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस पर काम करते हैं तो आपके लिए लैपटॉप परफेक्ट हैं। और अगर आप गेम भी खेलना चाहते हैं तो भी ये लैपटॉप आप लोगों के लिए सुटेबल हैं। सभी पॉपुलर ट्रिपल ए टाइटल्स इन लैपटॉप्स में, हाई ग्राफिक्स में आप चला सकते हैं। बाकी 2-4 ऐसे ही गेम ही मिलेंगे आपको जो आपको कम ग्राफिक्स में चलाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इन लैपटॉप्स का हायर रैम और हायर प्रोसेसर वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करने को नहीं मिलेगी। आफ्टर ऑल ये लैपटॉप्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों जब मैंने इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की थी तब मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने इस लैपटॉप को 3 महीने यूज़ करने के बाद भी एक रिव्यू का वीडियो प्रोवाइड किया था आप लोगों को। तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, ऊपर आई बटन में भी लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो दोनों ही जगह आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। आज हम लोग खुलकर बात करेंगे Asus टफ सीरीज़ के बारे में और ये लैपटॉप आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मेरा चैनल बायस नहीं है, यहाँ पर जो भी कुछ मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर ही बताता हूँ। मतलब अपनी पर्सनल नॉलेज आपको मैं शेयर करता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू और मेरा चैनल बायस नहीं है, इसलिए मैं जो है किसी भी कंपनी का फेवर नहीं करता। मतलब जो प्रोडक्ट अच्छा होता है उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे चैनल पर आपको जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जहाँ पर मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपके एकदम टाइम पर मिलते रहें, क्योंकि इसी तरह से मैं टेक्निकल वीडियोज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कर लेंगे तब आपको सारे मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है एकदम टाइम पर मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी के कन्फ्यूजन को दूर करना ही मेरा प्राइमरी मोटिव है और आपकी डिमांड पर ही बन रही है ये वीडियो। दोस्तों ये जो Asus टफ लैपटॉप्स हैं ये मिलिट्री ग्रेड टफनेस के साथ आते हैं और ये लैपटॉप्स हाई आल्टीट्यूड, एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो आप जो है इसे गर्म एनवायरनमेंट में यूज़ कीजिए या बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में यूज़ कीजिए, आपके लैपटॉप पर किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन वाइब्रेशन से भी आपका लैपटॉप प्रोटेक्टेड है। अगर आप इस लैपटॉप को थोड़ा बहुत गिरा भी देते हैं तब भी ये लैपटॉप ईजिली बियर कर लेगा उस शॉक को और इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लैपटॉप ड्यूरेबल हैं और इनकी टफनेस अप टू द मार्क है। दोस्तों ये लैपटॉप i5, i7, Ryzen 5, Ryzen 7 प्रोसेसर्स के साथ आते हैं। 8GB, 16GB और 32GB रैम की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 32GB रैम के जो वेरिएंट हैं वो लोग अपग्रेड करके बेचते हैं। बाकी यहाँ पर आपको 1050 NVIDIA का 1050 ग्राफिक्स कार्ड, 1050 Ti और 1650 देखने को मिल जाता है। ये जो ग्राफिक्स कार्ड हैं ये ठीक ग्राफिक्स कार्ड हैं और यहाँ पर आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उतने ज़्यादा बेटर ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप आपको मिल जाएगा और आपकी नीड के लिए परफेक्ट रहेगा। दोस्तों ये लैपटॉप जो है 50,000 रुपये से लेकर के 90,000, 1,00,000 रुपये तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इन लैपटॉप्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्क करना चाहते हैं, आप जो है बहुत डिटेल में वर्क करना चाहते हैं, जैसे आप कोई 3D रेंडरिंग करवाते हैं अपने लैपटॉप से या फिर आप 3D डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो फिर आप जो है i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप ले सकते हैं। फिर आपको जो है थोड़ा सा कम काम है, डिटेल में आप वर्क करते हैं, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर आप जो है गेम्स भी खेल रहे हैं, गेम्स भी खेलना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडियो रिलेटेड सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं जैसे कि ऑटोकैड वगैरह,
या फिर इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो अगर आप इस तरह के सॉफ्टवेयर i5 प्रोसेसर पर रन करना चाहते हैं ईजिली रन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8300H प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है जो आप लोगों की नीड के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। दोस्तों इन लैपटॉप्स का बूट टाइम बहुत फास्ट है, इधर आप जो है पावर बटन पर क्लिक करेंगे उधर आपका सिस्टम बूट हो जाएगा, और ऐसा हो पाता है इसकी डेडिकेटेड SSD की वजह से। दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड SSD दी गई है, जिस वजह से ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। क्योंकि लैपटॉप में सारे कनेक्टिंग पोर्ट्स लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, इसलिए राइट साइड इस लैपटॉप की बिल्कुल क्लीन है। आप जो है एक्सटर्नल माउस का यूज़ कर सकते हैं विद माउस पैड, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं ये लैपटॉप, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई चीज़ परफेक्शन के साथ बनाई गई है, अच्छे कंपोनेंट्स उसमें दिए गए हैं, तो वो चीज़ परफेक्ट के आसपास ही पहुँच जाती है, या फिर आप उसे कुछ हद तक प्राइस के अकॉर्डिंग परफेक्ट ही कह सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप के कूलिंग सिस्टम की, जो कि लोगों के लिए एक बड़ा इशू बना हुआ है। दोस्तों इस लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम जो है वो ASUS ROG सीरीज़, जो 1 से 1.5 लाख रुपए तक के लैपटॉप आते हैं, उनके जितना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन बेकार भी नहीं है। दोस्तों इस लैपटॉप का जो कूलिंग सिस्टम है वो इस लैपटॉप के अकॉर्डिंग ही ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऐसा कूलिंग सिस्टम दिया गया है। दोस्तों कूलिंग सिस्टम बेकार नहीं है, पहले आप समझ दीजिए कूलिंग सिस्टम कैसा है। दोस्तों इस लैपटॉप का जो कूलिंग सिस्टम है इसमें आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एक साइलेंट मोड मिलता है, एक बैलेंस्ड मोड मिलता है और एक ओवर बूस्ट मोड मिलता है। दोस्तों अगर लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है तो आप ओवर बूस्ट मोड पर स्विच कर सकते हैं। इस मोड की आपको ज़रूरत जो है समर्स में ही पड़ेगी, मई जून में ही ज़रूरत पड़ेगी आपको इस मोड की, अदरवाइज़ जो है इस समय विंटर चल रहे हैं, आप इस लैपटॉप को साइलेंट मोड पर भी रखेंगे तब भी लैपटॉप बढ़िया काम करेगा, क्योंकि इस समय कोई हीटिंग प्रॉब्लम है ही नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हीटिंग प्रॉब्लम इस लैपटॉप में नहीं है, मैं तो कहूँगा किसी भी लैपटॉप में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, बस उसमें एक अच्छा सा कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होना चाहिए। दोस्तों इस लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम नॉइसी तो है, इसके फैन नॉइस तो अगर क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर इस लैपटॉप के जो फैंस हैं वो फास्ट नहीं होंगे तो इस लैपटॉप की हीट बाहर कैसे निकलेगी, ये लैपटॉप कूल कैसे होगा। दोस्तों ये जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं ये एक्सट्रीम लैपटॉप्स होते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। ASUS कहता भी है कि ये लैपटॉप डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों आप खुद सोचिए अगर इस लैपटॉप में जो कूलिंग सिस्टम है वो फास्ट नहीं होगा, इसके फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा RPM पे नहीं घूमेंगे, तो कैसे इस लैपटॉप की हीट जो है इस लैपटॉप के चैम्बर से बाहर जाएगी, तो ये एक सोचने वाली बात है। दोस्तों अगर मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दूं, आपको पर्सनली बताऊं इस लैपटॉप के फैंस के बारे में, तो मुझे इसके फैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फैंस मेरे लिए ठीक हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब मुझे कोई ऐसा काम करना होता है, जब मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा होता हूँ तो मैं इसके फ़ैन को साइलेंट कर देता हूँ, तो उस वक्त जो है मेरा लैपटॉप भी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता है, और उस वक्त मेरा लैपटॉप जो है ज़्यादा नॉइज़ भी क्रिएट नहीं करता है। अगर आपको डाउट हो रहा है इसका नॉइज़ कैसा है फैंस का, तो 3 मंथ्स रिव्यू वाला वीडियो मेरा देखिए, वहाँ पर मैंने इसके जो फैंस हैं उसका नॉइज़ आपको सुनाया है, तो आप वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं इसी रेंज में आने वाले और ब्रांड्स के लैपटॉप की, तो वहां पर आपको उन लैपटॉप्स के जो वेंट्स हैं वहां से आपको एयर फ्लो इतना ज़्यादा देखने को भी नहीं मिलेगा जितना इस लैपटॉप का एयर फ्लो है। तो यहां पर जो है ये लैपटॉप जो है अच्छे से कूल हो रहा है। FX504 में ही थर्मल थ्रॉटनिंग आपको देखने को मिल रही थी, इस लैपटॉप में थर्मल थ्रॉटनिंग का कोई इशू नहीं है, ये लैपटॉप जो है अच्छे से कूल हो जाता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। दोस्तों कंपनी को कुछ चीज़ों में कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है आपके बजट में लैपटॉप को लाने के लिए, अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करेगी तो लैपटॉप आपके बजट से बाहर चला जाएगा और आप उस लैपटॉप को परचेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं बिल्कुल ही परफेक्ट लैपटॉप परचेस करना, तो फिर आप ASUS ROG सीरीज़ के साथ जाइए, जो कि 1.5-2 लाख रुपए के लैपटॉप्स आ रहे हैं। दोस्तों इस रेंज के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप्स ठीक हैं, ये लैपटॉप्स में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे ब्रांड्स के लैपटॉप देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा इस बजट में। लैपटॉप के फैंस का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है लैपटॉप को कूल करने के लिए, अगर लैपटॉप कूल नहीं होगा तो आपका i7 प्रोसेसर i5 जैसी परफॉर्मेंस देगा, i5 i3 जैसी परफॉर्मेंस देगा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा हायर प्रोसेसर के साथ लैपटॉप परचेज करने का। हालांकि कंपनी इस लैपटॉप के आर्किटेक्चर को थोड़ा सा अपग्रेड करके इसके नॉइस को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं ASUS स्टफ में और किस तरह के लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस लैपटॉप के जो बेजल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हैं, ये इस लैपटॉप को एक प्रीमियम लुक देते हैं, स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यूज़ करने में, और इसके व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे हैं, किसी भी एंगल से आप देखिए कलर की कोई प्रॉब्लम आपको इस डिस्प्ले में इसके देखने को नहीं मिलेगी,
और दोस्तों इस लैपटॉप में Asus TUF जो सीरीज़ के लैपटॉप्स हैं, इन लैपटॉप्स में ब्लू स्क्रीन एरर और डिस्प्ले फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम कॉमन है। बहुत ज़्यादा यूज़र्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। 50 से ज़्यादा Asus TUF यूज़र्स मेरे टच में हैं, मेरे से कनेक्टेड हैं, और मैंने ज़्यादातर की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। शायद वो लोग वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से मैंने लोगों को बताया था उनके लैपटॉप को फिक्स करने के लिए, या फिर कोई हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनके लैपटॉप में हो सकती है। तो दोस्तों ये इशू आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक नया Asus TUF लैपटॉप परचेज करते हैं तो हो सकता है आपको इस तरह के एरर आपके लैपटॉप में देखने को मिल जाएं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इन इश्यूज़ पर भी मैं वीडियो पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ, आपको मैंने सॉल्यूशन दिया है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अब दोस्तों बात करते हैं इस लैपटॉप के बैकअप की, इस लैपटॉप की बैटरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप इस लैपटॉप को नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आप 4 से 5 घंटे का बैकअप इससे ले सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो 1 घंटे का बैकअप आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं। वहीं आप जो है गेम खेलते हैं अगर इस लैपटॉप पर, इस लैपटॉप का एक्सट्रीमली यूज़ करते हैं तो आप बैटरी पर इसे 2 घंटे यूज़ कर पाएंगे। तो बैकअप तो थोड़ा सा कम है, लेकिन गेमिंग लैपटॉप्स में आपको ज़्यादा बैकअप देखने को नहीं मिलेगा, इसी तरह का बैकअप देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप जो है इसे चार्जर के साथ में यूज़ नहीं करते हैं, बैटरी पर यूज़ कर रहे हैं, तो करीब 50% परफॉर्मेंस इसकी रिड्यूज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे प्लग इन करके रखते हैं पावर में तो फिर डेस्कटॉप लेवल जैसी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये लैपटॉप्स फाइनली इश्यूज़ भी आ रहे हैं इन लैपटॉप्स में, ये लैपटॉप्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। दोस्तों समराइज़ करता हूँ मैं इस वीडियो को, आप इस वीडियो को थोड़ा समझिए कि आपको लैपटॉप लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस रेंज में स्ट्रिक्स जी के अलावा और कोई आपको लैपटॉप देखने को नहीं मिलेंगे। या तो आपको Asus TUF मिलेगा या फिर Asus का आपको स्ट्रिक्स जी मिलेगा, और Lenovo की Legion सीरीज़ भी चल रही है। दोस्तों Legion सीरीज़ के बारे में मैं आपके लिए अलग से वीडियोज़ लाऊंगा, अभी मैं आपको Legion सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं बता सकता। फिलहाल मैं आपको जो है Asus TUF और स्ट्रिक्स जी के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रिक्स जी लैपटॉप जो हैं अभी जल्दी में ही लॉन्च हुए हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप्स आप कह सकते हैं। अब अगर कंपैरिजन किया जाए Asus TUF का और स्ट्रिक्स जी का, तो मैं Asus TUF को ही ज़्यादा मार्क्स दूंगा, इसी को विनर बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रिक्स जी में जो है RGB लाइटिंग्स आपको कई तरह की देखने को मिल जाती है। अट्रैक्टिव तो है वो लैपटॉप, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है, कीबोर्ड जो है छोटा वाला है, वहाँ पर आपको नंबर पैड देखने को नहीं मिलेगा, जबकि Asus TUF में आपको नंबर पैड देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बेटर बात है, अगर आप नंबर पैड का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप जो है डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे इस लैपटॉप के स्ट्रक्चर से, और बिल्ड क्वालिटी वाइज भी मुझे ये लैपटॉप ज़्यादा अच्छा लगता है वो 6G के कंपैरिजन में। अब दोस्तों शायद आप ये सोच रहे हो कि वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा Asus TUF लैपटॉप्स को लेना या फिर Asus के 6G लैपटॉप्स को लेना। दोस्तों वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि आप एक बात को समझिए कि अगर आप एक लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं 40-50 हज़ार रुपये का, ठीक है, या फिर हो सकता है आप 60 हज़ार रुपये का आपका बजट हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसकी जगह डेस्कटॉप बना लेता हूँ। दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं तो फिर डेस्कटॉप के बारे में सोचिए, लेकिन अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको लैपटॉप ही परचेज़ करना है और 60 हज़ार रुपये के आसपास या 55 हज़ार रुपये के आसपास आपको लैपटॉप परचेज़ करना है, तो दोस्तों एक बात आप समझ के रखिए, अगर बजट इंक्रीज़ हो पा रहा है तो प्लीज़ इंक्रीज़ ज़रूर करें, क्योंकि क्या है लैपटॉप फ्यूचर में आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इस समय जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कॉन्फ़िगरेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए लैपटॉप के प्रोसेसर और लैपटॉप का जो आर्किटेक्चर है वो अपग्रेड कभी नहीं हो सकता, तो ये एक लिमिटेशन रहती है। इस वजह से आप जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर, हैवी प्रोसेसर और हैवी ग्राफिक्स कार्ड के साथ में लैपटॉप ले सकते हैं, उतना ज़्यादा अपने बजट को इनक्रीज़ कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको लैपटॉप 55 हज़ार रुपये में ही लेना है या 60 हज़ार रुपये में ही लेना है, इसके बजाय आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट अगर 50 हज़ार रुपये के लैपटॉप से पूरी हो रही है तो 50 वाला लीजिए, या 60 से पूरी हो रही है तो 60 वाला लैपटॉप लीजिए। आई होप दोस्तों मैंने इस लैपटॉप के बारे में, Asus TUF सीरीज़ के बारे में आपको इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के टॉपिक के लिए, क्योंकि मैं जो है टेक्निकल टॉपिक्स कवर करना चाहता हूं। और दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।